नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है भलचंद्र ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 19 फरवरी 2022 का संपूर्ण राशिफल उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे आज का जो दिन है शनिवार का है कृष्ण पक्ष की तीसरी तिथि है नक्षत्र उत्तरा है योग धृति है दिन का जो करण है वो वनी है और जो रात का करण है वह बिष्टि है आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा सुबह छह बजकर अट्ठावन मिनट से लेकर आठ बजकर चौबीस मिनट तक और अभिजीत मूर्त दोपहर मिनट से लेकर एक बजकर चार मिनट तक का होगा गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो उसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा सुबह नौ बजकर उनचास मिनट से लेकर ग्यारह बजकर पंद्रह मिनट तक और यमगंड काल दोपहर दो बजकर आठ मिनट से लेकर तीन बजकर बत्तीस मिनट तक का होगा राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा संपूर्ण दिन कन्या राशि में भ्रमण करेगा यह चंद्रमा बुध के साथ नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है और रवि के साथ षडाष्टक योग भी करने जा रहा है यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए बारह राशियों का राशिफल क्या होगा इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे तो सबसे पहली राशि है मेष राशि मेष राशि के ष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके के दशम भाव में स्थित बुद्ध के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है आपके लाभ भाव में सिर्फ रवि के साथ ये चंद्रमा षडाष्टक योग करने जा रहा है तो आज का जो दिन है वैसे देखा जाए तो काफी अच्छा और महत्वपूर्ण तो साबित होगा जो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहां पर आपके काम की सराहना हो सकती है कार्य क्षेत्र के बारे में जो भी लीगल अगर कोई काम है लीगल डॉक्यूमेंटेशन के बारे में अगर कोई काम है तो, आ, आ, तो वो काम आज के दिन आप ले सकते हो वो काफी अच्छे तरीके से पूरे होते हुए भी नजर आएगा उसी प्रकार काम के सिलसिले में कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटे मोटे बातों को लेकर तकरार हो सकती है मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि वृषभ राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है आप एक के भाग्य भाव में सिद्ध बुध के साथ यह चंद्रमा नव पंचम योग यानी के त्रिकोण नियोग करने जा रहा है आपके दशम भाव में सिद्ध रवि के साथ यह चंद्रमा योग करने जा रहा है तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो आज का जो दिन है बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा आज के दिन आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बनती है आपके रिलेशनशिप में जो भी व्यक्ति है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है तो मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आज का जो दिन है आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी होगा सिर्फ घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को तो लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि मिथुन राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके अष्टम भाव में सिद्ध बुद्ध के साथ ये चंद्रमा नवम पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है आपके भाग्य भाव में सिद्ध रवि के साथ ये चंद्रमा षडाष्टक योग भी करने जा रहे हैं तो आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन के बारे में कोई काम है किसी को कोई कमिटमेंट प्रॉमिस करनी है किसी भी प्रकार का महत्वपूर्ण काम है आज के दिन बिल्कुल भी नहीं करना आज के दिन तो आप थोड़ा घर पर रहना का पसंद करेंगे आराम करना पसंद करेंगे और वह आराम आपको मिलेगा भी अनपेक्षित अनेक्ष, लाभ वगैरह मिलने की संभावना भी आज के दिन काफ़ी अच्छी बनती है इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि कर्क राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है आपके अष्टम भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा षडाष्टक योग भी करने जा रहे हैं तो काफी अच्छा दिन है आपके लिए आज के दिन थोड़े से बाहर घूमना फिरना हो सकता है आप आज थोड़े बिजी साबित हो सकते हो लोकि लेकिन जो भी महत्वपूर्ण काम है वो अगर आप हाथ में लेते हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से पूरे होते हुए हो, नजर आएंगे अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो वैवाहिक जुड़ेदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है तो कुल मिला देखा जाए तो आज का जो दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि सिंह राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है राबे के ष्ठ भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा नवम पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है आपके सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा षडाष्टक योग करने जा रहे हैं तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तक हो सकती है लेकिन अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहाँ पर की जो बातें हैं दोनों में बहुत ही अच्छी देखी जाएगी उसी प्रकार आज का जो दिन है आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि कन्या राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है आपके पंचम भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है आपके षष्ठ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा षडाष्ट योग करने जा रहा है तो काफी अच्छा दिन है आपके लिए खास करके अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो आपके आप में आप दोनों में हारमोनी बहुत ही अच्छी देखी जाएगी उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है उसी प्रकार थोड़ा सा सेहत के बारे में कुछ समस्याएं या फिर कुछ लक्षण आपको दिखाई दे सकते हैं बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिए लेकिन मोटे तौर तो पर देखा जाए तो आज का जो आपका दिन है शुभ फलदायी साबित होगा इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि तुला राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है आपके चतुर्थ भाव में स्थित बुद्ध के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है आपके पंचम भाव में सिद्ध रवि के साथ यह चंद्रमा षडाष्टक योग करने जा रहा है तो घर के जो लोग होंगे उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर भी छोटे मोटे बातों को लेकर तक हो सकते हैं थोड़ा सा आज का जो दिन है स्ट्रेस में जा सकता है किसी प्रकार के विचार आपके मन में आ सकते हैं इसी वजह से पूरा जो दिन है थोड़ा स्ट्रेसफुल आपका साबित हो सकता है इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके तृतीय भाव में स्थित बुध के साथ यह चंद्रमा नवपंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है तो आज के दिन आपको लाभ वगैरह होने की संभावना काफ़ी अच्छी बनती है और वह भी अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है जो भी महत्वपूर्ण काम है वो आप हाथ में ले सकते हो उसी प्रकार आपके जो भी कार्यक्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना घर के जो लोग हैं उनमें जो पुरुष सदस्य है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है इसके बाद की जो राशि है वो है धनु राशि। धनु राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है रापे के द्वितीय भाव में सिद्ध बुध के साथ यह चंद्रमा नवोपंचमय योग करने जा रहा है आपके तृतीय भाव में स्थित रवि के साथ यह चंद्रमा षडाष्टक योग करने जा रहा है तो काफ़ी अच्छा दिन है आपके लिए आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ आज आपकी जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी उनके कोई जो मांगे होंगी वो पूरी करनी पड़ सकती है लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा और शुभ फलदायी होगा किसी प्रकार के बड़े निर्णय आज के दिन नहीं लेना इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि मकर राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है आपके राशि में स्थित बुध के साथ ये चंद्रमा तो नम पंचम योग यानी कि त्रिकोण योग करने जा रहा है आपके द्वितीय भाव में स्थित रवि के साथ ये चंद्रमा षराष्ट योग करने जा रहा है तो आज का जो दिन है अगर आप जॉब हो तो काफी अच्छा दिन होगा आपको जॉब मिलने की संभावना काफी अच्छी बनती है लकी डे भी हो सकता है जो भी महत्वपूर्ण तो काम है हाथ में ले सकते हो लेकिन आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकर हो सकते हैं बस उसी के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना ज्यादा आवश्यक होगा इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि कुंभ राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण और व्यय भाव में बुध के साथ यह चंद्रमा योग श्राष्ट्र के योग भी करने जा रहा है तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है जो भी आपके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड काम है वो आज के दिन आप हाथ में ले सकते हो और वो पूरे होते हुए भी नजर आएंगे आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ किसी बातों को लेकर तकरार हो सकती है बस उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि मीन राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है और आपके लाभ भाव में सिद्ध बुद्ध के साथ यह चंद्रमा नवपंचमी करने के त्रिकोण करने जा रहा है आपके व्यय अव में सिद्ध रवि के साथ यह चंद्रमा क्यों करने जा तो आपके जो हैं होंगे उनके साथ आज आपकी बहुत ही अच्छी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है दोस्तों ये था दिनांक उन्नीस फरवरी 2022 का संपूर्ण राशिफल आपको राशिफल कैसे लगा आपने किस प्रकार से अनुभव किया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना धन्यवाद